नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने बुधवार श्री हरिकोटा से एक ही उड़ान में एक साथ 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर नया कीर्तिमान रचा है। इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की ये उड़ान सुबह 9:26 पर लॉन्च की गई। इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के विरोध पर अड़े बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर अब मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम आ गए हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार के वित्त सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अरविंद सुब्रमण्यम पर भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। सीमा की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले सैन्य अफसर की पत्नी ने भी फौज में जाने की ख्वाहिश जताई है। महज 8 दिन पहले अपने पति लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज चौहान को हमेशा के लिए खो देने वाली रिमझिम का हौसला देख रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खुद राज्य विधानसभा में एंट्री के लिए यहां चुनावी मैदान में उतरी हैं, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवारों से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। वोटिंग को लेकर आतंकियों की धमकी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने मंगलवार को संसद को बताया कि पाकिस्तान ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता हासिल करने के भारत के प्रयास को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। अजीज ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की योग्यता और बिना भेदभाव के आधार पर NSG सदस्यता हासिल करने की मजबूत स्थिति है। सॉफ्टवेयर दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल के इंटरनेट ब्राउजर क्रोम को ज्यादा बैटरी ड्रेन करने वाला ब्राउजर बताया है। कंपनी के मुताबिक विंडोज बेस्ड कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर सिस्टम की बैटरी ज्यादा ड्रेन करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में दुनिया के पॉपुलर ब्राउजर्स की टेस्टिंग की थी। इनमें गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और कंपनी के अपना ब्राउजर ऐप शामिल था। सेंसेक्स बुधवार को 27 अंक गिरकर 26,785 पर और निफ्टी 11 अंक गिरकर 8,208 अंक पर खुला। बुधवार को भी शेयर बाजार में सुस्ती देखी गई। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी और एशिया के बाजारों से मिले सुस्त संकेतों के चलते भारतीय बाजार में भी इसका असर हुआ है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने 2 घंटे के भीतर ही मध्य दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया ने इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से लगाई गई पाबंदियों का उल्लंघन बताया है। दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक मुसुदान नाम की ये मिसाइलें शक्तिशाली है। पहला परीक्षण असफल रहा, जबकि दूसरी मिसाइल समुद्र में गिरने से पहले 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई। 4 बार के हॉकी ओलंपियन और पूर्व भारतीय कप्तान धनराज पिल्ले मुंबई सुपर टेबल टेनिस लीग में टीम के सह मालिक होंगे। लीग के लिए NSCI में खिलाड़ियों की नीलामी हुई। धनराज बेलेजिंग बेशर्स के सह मालिक हैं और उन्होंने कहा कि टीम का हिस्सा होने से प्रतियोगिता से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद मिलेगी। प्रतियोगिता का आयोजन 7 से 10 जुलाई तक किया जाएगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने एक्टर आर माधवन को एक नोटिस जारी किया है। माधवन पर अपनी जमीन से सटे एक तालाब पर कब्जा करने का आरोप लगा था। माधवन ने दिंदीगुल इलाके में जमीन खरीदी थी। इस मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस के शशिधरन और वी गोकुल दास की बेंच ने कार्रवाई करते हुए आर माधवन और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया। इस मामले में माधवन के मुंबई स्थित घर पर एक प्राइवेट नोटिस भेजा गया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई की तय की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। मेरी माँ देख, अगर मच्छर फिंगर्स पे काउंट कर सके तो नॉर्मल मोड। हाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 10 अगर फिंगर्स खत्म हो जाए तो फिंगर से मच्छर गिनो नहीं, भगाओ। गुड नाइट एक्टिव प्लस मशीन और रिफिल सिर्फ 72 रुपीज में। पुश करो, पुश रहो। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। 5-10 नहीं, सिर्फ 100% बेटअप को कहते हैं बेस्ट। नया डेटॉल गोल्ड, इसका एडवांस्ड फॉर्मूला आम एंटीबैक्टीरियल साबुन के मुकाबले में दे 100% बेटर प्रोटेक्शन, यानी बेस्ट प्रोटेक्शन। मैं मानू सिर्फ डेटॉल का धुला।